शुरू नहीं हुआ है। हो गया सर। सत श्रीकाल दोस्तों, अज पंडित राव जी नाल फिर मुलाकात हुई। मिस्टर बहादुर सिंह मेरे टीचर, बहुत सोहने राइटर, बहुत चंगे गीत लिखते ने। अज असी सन्मान करन आए सी प्रोफेसर साहब का, पर जो उन्होंने गलबात हुई तो उन्होंने सानू बुलाया, बहुत सारा प्यार दिता, बहुत रिगार्ड लैन लिये सत्कार है जी। मैं लगता है बहादुर सिंह साहब वधिया लिखते ने, ना सिर्फ गायक बल्कि वधिया लिखण वाले लोगों को भी सम्मान होने की लोड़ है, क्योंकि पंजाब दे विच बहुत सारे एहोजा लेखक गीतकार ने जो लच्चर शराबी हथियारा गाना लिखते ने। लिखण वाले बहुत वड्डा कसूरदार होंदे ने, सारे गलत कम गलत गाने एहोजा गायक गाना लिखण वाले तो ही शुरू हो जाता है। जो पहले कलम तो लिखते ने उस तो बाद गाने वाले गलत गाना गाते ने, वो समाज से असर करेंगे। इसलिए जो गाना लिखते ने उन्होंने सम्मान करते हुए बहादुर सिंह साहब को सम्मान करेंगे सी, ताकि लिखण वाले लोगों की सम्मान होवे। ना सिर्फ गायक लोगों की सम्मान होने की लोड़ है, बल्कि गीत लिखण वाले लोगों का भी सम्मान होने की लोड़ है, क्योंकि लिखण नाल लोगों का समाज में बहुत कुछ असर हो सकता है, क्योंकि कलम के नाल बहुत कुछ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। एक कलम नाल तुसी लिख के बहुत सारे तब्दीलियाँ ला सकते हो। उदाहरण तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस कलम तो लिख के, जफरनामा लिख के उस वक्त के तख्त को चलाने वाले औरंगजेब को हिला के रखा से। मेरे गुरु वालों लिखा गया औरंगजेब को लिखा गया जफरनामा इन्नी ताकत भरी सी, उस कलम की इन्नी ताकत भरी सी, जिसन पढ़ के औरंगजेब की मौत भी होया सी। कहन का भाव है कलम की ताकत इन्नी है। उस कलम के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जफरनामा के लिखते ने, उस कलम की ताकत देखो, तुम लिखण वालों की ताकत देखो, लिखण वालों की ताकत इन्नी हो सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कलम नाल लिख के उस वक्त के तख्त को हिलाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते ने कमाल, वो भी फारसी भाषा में, वो भी फारसी भाषा में लिखण वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते ने फारसी भाषा में, फारसी भाषा के माहिर मेरे गुरु लिखते ने कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राजिक रिहा को रहीम अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी दियो दिल फजीर ना साजो ना बाजो न फौजो न फरस खुदावंद बख्शिंद ए ऐसो अरस हमू मरद बायद शब्द शुकनवर ना सिख में दिगर दर दहाने दिगर जिहा सुद के चुंग बेचुंग पेच दे चार पेच दे मार। कहन पावे इन्नी सुंदर टंग नवल लिखण वाले मेरे गुरु महाराज फारसी भाषा दी माए। कलम की ताकत देखो बहादुर सिंह साहब, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तो कलम की जितनी ताकत है, तुम मैं पूरा आज उम्मीद है तुम हमेशा सुंदर लिखोगे, इसलिए तो उन्होंने सम्मान दिता जाएगा। मेरा बेटी का नाम खीवी है, जो खीवी माता खीवी का नाँ दे रखा है, जो 15वीं सदी के जब औरत में कोई आज़ादी नहीं सी उस वक्त माता खीवी देसी घी लंगर बना के वंडदी सी। माता खीवी 15वीं सदी के पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे कोई औरत का ना दर्ज है वो माता खीवी दी है। सिर्फ तो सिर्फ एक औरत का ना दर्ज है माता खीवी दी है। उस तो अलावा पहले गुरु 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 नानक देव तो लेके पंजवा गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज तक पंच गुरुआं की सेवा करने वाली है माता खीवी। उस माता खीवी का नाम मेरा बेटी का रखिया है। हूँ खीवी बहादुर सिंह साहब न सम्मान करेंगे, क्योंकि इन्हों का कलम बहुत साफ सुथरा लिखते हैं। लिखण वाला का सम्मान भी होएगी, वधिया साफ सुथरा गाउन वाला का भी सम्मान होएगी। हर था ते जाके मेरा बेटी की भी सम्मान करेंगे। आओ जी ऊपर ऊपर ठीक है ना, हर तरह पर हाँ बच्चे अंकल अंकल सम्मान करो। ये
थैंक यू सो नाइस बहुत ऊपर करो ऊपर भी दो थैंक यू एक किताब भी दो किताब भी दो किताब भी दो ये मेरे वालों लिखा गया एक किताब है जी एक किताब भी दिखता जा रहा है खीवी ये मेरा बेटा है चंद्रोदय वो सर ते ओड़ा हेड़ा रख के घूमता है बहुत ही सोना बंदा है बहुत बढ़िया सोना बंदा है ओड़ा हेड़ा सुनाओ भाई ये पंजाबी हीरो बनेगा एक दिन लगता है मैनू लगता है हीरो बनेगा ते ओड़ा हेड़ा सुनाओ जी खीवी जी जोर से जोर से उड़ा ताली मारो भाई सारे ताली मारो वेरी गुड ये है माता खीवी का नाम ते रखिया मेरा बेटी खीवी का नाम है खीवी ते बहादुर साहब कुछ बोलो तो सत श्रीकाल दोस्तों आज बड़ी सानू खुशी हो रही है कि असी तो प्रोफेसर साहब दी कोशिशां देख के इन्हों नू सम्मान करना आए सी धन्नवाद करना आए सी कि पंजाबी बोली लई इन्ना कुछ कर रहे ने और साडा भी फर्ज बनता कि इन्हां दा साथ दईए जे असी कुछ नहीं अपनी माँ बोली लई नहीं कर सकते ये घट्टो घट्ट ये इन्ना कुछ कर रहे हैगे ना तो आप इन्हां दा साथ दईए एक एक नाटका तो आके पंजाबी माँ बोली की यही असल में सेवा हैगी आ हूँ तो असं बहुत दावे करते हैं भी माँ बोली सेवा करनी है पर यह असल सेवा हैगी साडे सारयां दा फर्ज बनता हैगा कि असी राव साहब का पूरा समर्थन करिए इन्हां दा कदम ना कदम मिला के चलीए और इन्हां दा साथ देइए और अस इन्हां नूं जदों असी अपने आने वाले गाणे बारे दस्या जो बहुत जल्द असीं तुहानूं सुणावांगे और इन्हां नूं बहुत पसंद आए और इन्होंने उल्टा साडा सम्मान किया कि एह जे गीतकार जां इस तरह दे कलाकार को सानूं दी जरूरत हैगी है और असीं अपने आप नूं बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि जो ये सोचते हैं जो मिशन लैके चले ने उन्होंने सानू भी शामिल करना चाहते हैं सानू भी इन्होंने हिस्सा समझिया साडे गीतां मीत नवान के गीतों मेरे गीतों और बहुत ज़्यादा इन्होंने पसंद किया और अपने मिशन लिए काबिल समझिया और सानू अपने मिशन का हिस्सा बना रहे हैं साडे लिए बहुत खुशी करती है राव साहब जी थोड़े नाल बहुत ही साडी एक पंजाबी माँ बोली की असल में सेवा कर रहे हो और असी भी अपने आप में एक भागा वाला समझ रहे हैं कि तुम सानू सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद और रब तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी देवे तुम इस बहुत उच्चा लेके जाओ और बहुत सारे लोग जुड़नगे अज नहीं तो कल क्योंकि हम बदलाव आने वाला है जो तुम मिशन लैके चले हो ये बाकी बहुत वधिया हैगा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी बहादुर सिंह साहब वधिया गाना साफ सुथरा लिखते ने जिन्हों का गाने के सारे गाने मीत निमाना साहब गा चुके ने बहुत मैं प्रभावित हाँ इन्हों सोने कलम के शब्दावली सुन के ते मीत नमा निमान साहब बहुत ही सुरेले आवाज़ गाँवते ने नी मीत निमाना साहब बहुत ही वधिया समाज सेवक भी चित्रकार भी होने कारण ते गायक भी होने कारण इन्हों चंडीगढ़ के स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का कोशिश भी चल रहा है एक दिन ये जरूर बनेंगे मीत साहब मीत निमाना साहब बहुत जल्द बनेंगे बहादुर सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद तोड़ा ते एक संदेश एक बिनती हर थां ते चंगे लिखण वाले चंगे गायक व गाण वाले गायक नूं सम्मान होने की लोड़ है मैं हर थां ते जाके एहोजा चंगे लिखण वाले लेखकां नूं सम्मान करांगा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच चंगे लिखण वाले नूं बहुत सम्मान दिता गया है उह शब्द भी है उन्हां लई ते जिहड़े लोग गंदे लिखते ने शराबी गाने लिखते ने उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शब्द है कि मैं पूरा तो नहीं बोल सकता बट उसका अर्थ है कि शराबी हथियारी गाउन वाले दे कलम भी जल जावे उन्हों का शरीर भी जल जावे जलेगी वीर जी मैं तुहानू दसा कि कलम रब वालों दिता गया एक बख्शीश है उस बख्शीश नू उसकी शाही नू भी शराबी बनाने वाले ये गायक लोग या लिखण गाना लिखण वाले कतलकार ने इन्हों सज़ा होएगी उन्हों का कलम भी जलेगी उन्हों का शरीर भी जलेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सर हाँ जी हाँ जी